हेलो एवरीवन, तो एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग समझा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिरकार हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्यों करें। ये हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो समझते हैं, पहला है हमारा प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर HRM। प्लानिंग है वो इम्पॉर्टेंट है HRM के लिए, विच मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यदि आप कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग करने के बाद ही आप ह्यूमन रिसोर्स को एक मैनेज कर सकते हैं। तो डेट इज़ वाई वी स्टडी HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यही इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है। आफ्टर डेट द सेकेंड पॉइंट इज ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड पर्सोनल विद नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। देखिए, ध्यान से समझिएगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल मतलब है एक व्यक्ति। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके पास एक नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो एज वेल एज एप्टीट्यूड हो। देखिए, वेन एवर यू आर गोइंग टू जॉइन एनी काइंड ऑफ कंपनीज, the first requirements of these companies like what's your qualifications, what's your skills, what's your knowledge and how many years of your experience. These are the some features will have to in yours. ये जो कंपनी है वो इनको कंपनी आपके अंदर मांगती है इन सब क्वालिफिकेशंस को। आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपके अंदर नॉलेज कितना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो HRP है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HRP के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों की जांच करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति उसमें क्वालिफिकेशंस कितनी है, स्किल्स कितनी है, नॉलेज कितनी है, ठीक है। नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, रिप्लेसिंग ओल्ड रिटायर्ड एंड डिसेबल पर्सन। अब HRP जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तभी जा करके फिर आपको पता भी चलेगा और आपको आवश्यकता भी होती है किस चीज़ की, कि आप ओल्ड जो पर्सन है उनको रिटायर करें, उनको रिप्लेस करें और नए लोगों को लेकर के आएँ। डिसेबल पर्सन आए जिनमें क्षमता नहीं है काम करने की, उनको और कोई सा वर्क दे दिया जाए। ऐसा नहीं कह सकते हम कि फर्म से बाहर निकाल दिया जाए, बट उनको रिप्लेस कर दिया जाए। देखिए, एक वर्ड आ गया है आपका रिप्लेस, ठीक है ना। तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनके लायक जो काम हो उनको। अब जैसे सिस्टम पर ओल्ड मैन, जो बूढ़े बड़े व्यक्ति हैं वो बैठे पड़े हैं सिस्टम वर्क पर, तो वो काम को बहुत स्लो करेंगे, तो जिसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं उन लोगों को, ठीक है ना। और जो काम करने के लायक ही नहीं है, विच मीन्स ज़्यादा एज हो गई, उनको तो हम रिटायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन है हमारा मीट पावर शॉर्टेजेस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इंडियन एयरलाइंस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडलेस फॉर 10 मंथ। अब जैसे इसमें तो कोई एग्जांपल दे रखा है, वैसे मीट मैन पावर शॉर्टेज ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब जो मैन पावर जो शॉर्टेज है, मतलब हमारे पास उतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए मैन पावर नहीं है हमारे पास, तो उसको फुलफिलमेंट करना HRP का काम है, ठीक है। आगे हमारा मीट नीड ऑफ एक्सपेंशन डाउन साइजिंग प्रोग्राम। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ IT कंपनीज, द डिमांड फॉर IT प्रोफेशनल आर इंक्रीजेस। PSU देखिए यहाँ पे बोल रखा है नीड ऑफ एक्सपेंशन। नीड ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत है। डाउन साइजिंग ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स हैं उनको डाउन साइजिंग करने की ज़रूरत है। जैसे IT कंपनीज हैं वो एक्सपेंशन कर रही हैं अपने आप को, PSUs हैं वो अपने आप को एक्सपेंशन कर रही हैं, तो हमको मीट करना है, हमको उस चीज़ को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है। तो ये भी पॉसिबल किससे होता है, हमारा HRP से होता है। आगे कैटर टू फ्यूचर पर्सनल नीड्स, अवॉइड सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ लेबर, ओवर स्टाफेड, रिडनोप्लेमेंट। इसमें बोल रखा है रिडनोप्लेमेंट कि जो ज़्यादातर ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा, अवॉइड करना है हमको सरप्लस को, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों में भी वर्क नहीं हो पाता है, और डेफिशिएंसी जो कम लोग हैं उनमें भी काम नहीं हो पाता है। तो हमको इस चीज़ को अवॉइड करना है और बैलेंस करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो वर्क है वो इफेक्टिव और इफिशेंसी तरीके से हो सके विद अ गिवन टाइम, और रिसोर्सेज हम हमारे पास लिमिटेड हैं, डेट इज़ वाई हमको बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करना पड़ेगा। आगे
नेचर ऑफ प्रेजेंट वर्कफोर्स इज अ रिलेशन विद चेंज इन एनवायरनमेंट। जो नेचर है प्रेजेंट वर्कफोर्स का वो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे हेल्प टू कॉप विद द चेंज इन कंपटीटिव फोर्सेस मार्केट टेक्नोलॉजी। अब जो भी वर्कफोर्स देखो एनवायरनमेंट जैसे चेंज होता है तो हमको वर्कफोर्स भी उसी के हिसाब से वर्क करना पड़ता है ताकि कंपटीशन मार्केट में बना रहे, जो टेक्नोलॉजी आए, जो प्रोडक्ट्स आए, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आए, उन सबको हम ट्रैकल कर सकें। इसके लिए हमको क्या है HRP की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो होप सो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसके इम्पोर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी पॉइंट्स में डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको रिप्लाई देने की, इस वर्ड में नहीं तो और दूसरे वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।